हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। सो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो टुडे इज 13th of July एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज करंट अफेयर। सो आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई सीरीज क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सेना में अश्वेत महिला को पहली बार शामिल किया है। अश्वेत मीन्स नॉन वाइट, ठीक है। सो किसने किया है ये? अमेरिका ने किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं इनको। देखिए, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट, ठीक है, एज ए पायलट इलेक्ट बने हैं, ठीक है। ये अमेरिका नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट का स्वागत किया है। लेफ्टिनेंट जे जी मेडलिन स्वीगल ने नासेनिक उड़ान स्कूल पूरा कर लिया है। नाम क्या इनका? जे जे मेडलिन ने। और जुलाई 2020 के अंत में उड़ान अधिकारी इसिगिनिया, जिसे रिंग्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है, से नवाजा जाएगा, ठीक है। सो ये रिंग्स ऑफ गोल्ड क्या है? एक अवार्ड है इनके लिए, जो ये कंप्लीट करते हैं ना नैसैनिक उड़ान स्कूल पूरा करने के लिए, उनको दिया जाता है रिंग्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमने अमेरिका को डिस्कस करा। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, जैसे पाकिस्तान, ब्राज़ील और लेबनान, ये सब न्यूज़ में क्यों हैं? देखिए, पाकिस्तान हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जैसे यूरोपीय कंट्रियों ने, जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी, यूरोपियन कंट्री ने पाकिस्तान के साथ जितने भी फ्लाइट थे वो सारे, जो पाकिस्तान से फ्लाइट आ रहे थे वो सारे कैंसिल कर दिए थे, ठीक है, फ़्लाइट्स को। अब क्या करा है यूरोप के बाद, यूरोप के बाद अमेरिका ने क्या करा पाकिस्तान के साथ, इन्होंने भी, अमेरिका ने भी इनकी जो फ़्लाइट्स आती है उनको बैन कर दिया है, ठीक है। और ये बैन करने का रीज़न इन्होंने क्या बताया है? सिक्योरिटी रीजंस। और कहते हैं कि इनके पास कुछ इनके पायलट्स के पास फेक लाइसेंस है, ठीक है, पायलट्स के पास, ठीक है, और सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। सो ये इसलिए US और पाकिस्तान न्यूज़ में थे, ठीक है। बात करें ब्राज़ील और लेबनान की, तो देखिए PSLV पर ब्राज़ील के उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो। इसरो अगस्त 2020 में दूरवे उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से ब्राज़ील के अमेजोनिया वन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अमेजोनिया वन उपग्रह को ले जाने के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है। अमेजोनिया वन पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा जिसे ब्राज़ील में डिजाइन और इकट्ठा और प्रशिक्षण किया गया है, ठीक है। सो PSLV पर ब्राज़ील का उपग्रह को लॉन्च कराएगा इसरो, ठीक है। नेक्स्ट है, लेबनान न्यूज़ में क्यों है? देखिए, मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था, जो भारतीय बटालियन है UNIFIL, क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटेम फोर्स इन लेबनान, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है? संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने एक पर्यावरण पुरस्कार जीता है। ये आपको मैंने कल बताया था क्यों जीता है। इससे एक ऐसी परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादनों को कम करना, प्लास्टिक को पुनः यूज़ करना, उपयोग करना, ग्रीन हाउस का निर्माण और खाद के गड्ढों से बनाना। UNIFIL मिशन के हेड और फोर्स कमांडर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कर्नल के यूनिफिल प्रमुख के 7 मिशन संस्थाओं को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार दिया है, ठीक है। सो ये न्यूज़ मैंने कल भी डिस्कस करी थी। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सो हाल ही में प्योर फॉर श्योर अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी मैं आपको कल बताया था मैंने कि राजस्थान द्वारा किया गया है। और क्यों किया गया है? डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके निष्कर्ष, उनकी जांच करने के लिए, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं राजस्थान को। देखिए, राजस्थान ने एक अभियान चलाया दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए। राजस्थान में एक अभियान शुरू किया गया दूध और डेयरी उत्पादों में नमूने 14 जुलाई 2020 प्योर फॉर शोर अभियान के तहत एकत्र किए जाएंगे। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं प्रदान की जा रही है, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा FSSAI ऐप पर नमूनों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। सो इम्पॉर्टेंट है।
हमेशा की तरह हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर से होते हैं। सो इसका आंसर है राजस्थान। प्योर फॉर श्योर अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया? राजस्थान में, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स की जाँच के लिए। ठीक है, अब बात करें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा। देखो कर्नाटक इसलिए न्यूज़ में है कि फ्लिपकार्ट ने, मैंने आपको कल भी बताया था, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के साथ क्या करा है, एक समझौता। किस लिए? जो वहाँ की कला शिल्प है, ठीक है, जो वहाँ की कला शिल्प है और जो हथकरघा या हस्तलिपि या हस्तकला जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या करा है कर्नाटक ने, समझौता किया है किसके साथ, फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र न्यूज़ में क्यों है। महाराष्ट्र सरकार SBI तनाव फंड स्थापित करेंगे। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक तनाव कोष स्थापित किया है। ठीक है, यह मुंबई महानगर क्षेत्र MMR में राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को फिर से शुरू करेगा। ठीक है, और ऐसी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार इस निधि में 700 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करेगी। ठीक है, सो भारतीय स्टेट बैंक, याद रखना भारतीय स्टेट बैंक महाराष्ट्र सरकार के साथ तनाव में कोष स्थापित कर रहा है। ठीक है, और अगर बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा BLUIS की शुरुआत की गई। क्या है BLUIS? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के लिए 5T पहल के तहत 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किए हैं। उन्होंने महामारी को देखते हुए सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, ठीक है, डेडलाइन 15 अगस्त 2020 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी है। ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम और ई प्रवेश ऐप शामिल है। तो BLUIS की फुल फॉर्म क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, और अगर आज की बात करें इस करंट अफेयर, इस क्वेश्चन के लास्ट ऑप्शन की, तो मैंने आपको कल बताया था तमिलनाडु टॉप पे है किस पे, बाजार कर्जे में। तो देखिए हाल ही में RBI के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ जुटाए हैं और देश में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है। ठीक है, तमिलनाडु में बॉन्ड राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सो ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्होंने 30,500 करोड़ का लोन लिया है और तमिलनाडु बाजार ऋण में सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में किसके ऊपर किताब जारी की गई है? सो देखो इसके बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो ये सारे ऑप्शन से कोई करंट अफेयर्स नहीं है। मनोज आहूजा हमारे CBSE के चेयरमैन हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन मैंने ऐसे लिए हुए हैं। बाकी ये जो हमारा आंसर है ये है दलाई लामा, ये है जिनके ऊपर एक बुक लिखी जा रही है अभी रिसेंटली। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस बुक के बारे में, किसने लिखी है। देखिए दलाई लामा की सचित्र जीवनी दलाई लामा पर एक नई किताब अक्टूबर 2020 में जारी की जाएगी। इसमें उनके जीवन और समय की 400 से अधिक पहले कभी नहीं देखी गई तस्वीरें और दस्तावेज हैं। ठीक है, और अगर बात करें 352 पन्नों की पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। क्या है? हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। सो बुक का नाम है, देखो हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसे लगभग 5 वर्षों में लिखा जा रहा है 5 वर्षों से लिखा जा रहा है। ठीक है, दलाई लामा को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक 40 से अधिक वर्षों से उनके सलाहकार तेंजिन गेचे टेथांग द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारत की कंपनी ने नेट प्रॉफिट तिमाही में 14% कम हुआ है? तो देखिए हाल ही में ये कम हुआ है किसका, TCS का। ठीक है,
सो डिस्कस करते हैं इसको भी और बाकी सारे ऑप्शंस को भी। ऑप्शन में है सीसीआई। सीसीआई है क्या, बात करते हैं। सीसीआई ने एक प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दी है। क्या है सौदा, किसको मंजूरी दी है? प्रतिस्पर्धा आयोग ने इरोज इंटरनेशनल पीएलसी, एसटीएक्स फिल्म वर्क्स इंक और मोरको अलायंस लिमिटेड के प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इरोस एक भारतीय मनोरंजन कंपनी है जो फिल्मों को सह निर्माण वितरण और वितरण करती रहती है। दो चरण के लेन देन के तहत इरोस की एक अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसटीएक्स ने विलय हो जाएगी। नेक्स्ट है ईआईयू, ऑप्शन में है ईआईयू रिपोर्ट में भारत 8वें स्थान पर रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 10वीं एशियाई प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के लिए भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट एशियाई प्रशांत में कैंसर की तैयारी सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति पर है। ईआईयू के कैंसर की तैयारी के सूचकांक से प्राप्त निष्कर्षों की जाँच करती है और ऑस्ट्रेलिया 92.4, दक्षिण कोरिया 83.4 और मलेशिया, ये डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में सेबी है न्यूज़ में क्योंकि उन्होंने एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। सेबी ने अपनी समिति को पुनर्जीवित किया है जो पूंजी बाजार नियमों को म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट कर रही हैं। बात करें आईआरडीआई की तो आरोग्य संजीवनी नीति की सीमा को संशोधित किया है। क्या है ये? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को एक स्कूलर जारी किया है जिसमें आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम बीमित राशि 5,00,000 रुपये से अधिक की पेशकश की गई है। गॉट इट, नेक्स्ट। WHO हाल ही में इसलिए न्यूज़ में है, उन्होंने हाल ही में एक स्वतंत्र समीक्षा शुरू की है। मैंने कल भी बताया था आपको, WHO ने COVID-19 महामारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा की घोषणा की है। इससे हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस करे, सेबी को डिस्कस करा, TCS को डिस्कस करा, EIU को डिस्कस करा, CCI को करा और RDI को। सबसे आपको एक एक करंट अफेयर न्यूज़ पता होगी। ठीक है, सो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी कम होगी? सो 5.2% कम होगी वैश्विक अर्थव्यवस्था। ये रिपोर्ट निकाली किसकी गई है? डन और बैड स्ट्रीट की कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट ने कहा गया है, जिसमें 132 देशों को शामिल किया गया है। क्या कहा है? एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की 2020 में 5.2% तक कमी होने का संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भी कई कारकों की वजह से लाभ नहीं मिलेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र 2020 के अंत से पहले आर्थिक प्रभाव को कम नहीं कर पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रह गई है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक पाए गए हैं, उन्होंने अस्पताल ले जाया गया है। अभिनेता मुंबई के नानावती अस्पताल में रेस्पिरेटरी आइसोलेशन यूनिट में है, दोनों में हल्के लक्षण हैं। ADB ने हाल ही में EA के साथ एक काम करेंगे क्या? एशिया विकास बैंक और एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों स्कूल न जाने वाले जोखिम वाले बच्चों को गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा में लाने के लिए 100 मिलियन की संयुक्त परियोजना करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई सीरीज क्लासेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।